हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। उसमें जो कि हमारा टेंस का पार्ट 16 था, उसमें हमने इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस किया था, और ये हमारा टेंस का पार्ट 17 है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज, ठीक है, और इनके एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। तो पहचान क्या होता है फ्रेंड्स, कि जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्या हो, समय के साथ आए, तो वो क्या होते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर केवल रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, तो वो क्या हमारा होता है फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस होता है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब हो जाएगा, जब समय के साथ ये रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, तो हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं, इसके रूल को देखते हैं, ठीक है। तो इसका रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, कि सब्जेक्ट हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स सिंस या फॉर फिर टाइम, ठीक है। तो ये तो इसका रूल हो गया, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा रूल को फ्रेंड्स। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो एग्जांपल हमने लिया है, वह सुबह से पढ़ रहा था। तो रूल कहता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो हमने यहाँ पे ही लाया। उसके बाद रूल कहता है कि हैड बीन का यूज़ करेंगे, हमने हैड बीन का यूज़ किया। फिर रूल करता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऐड करिए, तो हमने यहाँ पर रीडिंग कर दिया। फिर सिंस या फॉर में से कोई एक लाएँगे, तो चूँकि यहाँ पर समय क्या है, निश्चित है, सुबह यहाँ पर निश्चित है ना फ्रेंड्स, कि सुबह से, तो मॉर्निंग यहाँ पे निश्चित है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। तो इस तरह से देखा जाए इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया फ्रेंड्स, ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, हम सोमवार से स्कूल जा रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, वी हैड बीन और जाना का गोइंग वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी हमने ऐड किया। उसके बाद टू स्कूल, उसके बाद सिंस या फॉर, चूँकि मंडे यहाँ पर निश्चित है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, ठीक है। थर्ड एग्जांपल को देखते हैं, तुम अपना पार्ट सुबह से याद कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले यू हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, हैड बीन तो हमारा रूल कहता है लाना ही पड़ेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें आई एन जी ऐड करनी है, तो हमने लर्निंग कर दिया याद करना का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लर्न कर रहे हो, तो योर लेसन, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अदर्स यहाँ पे नहीं है, तो हम सिंस एफ आर का यूज़ करेंगे फिर, तो और सिंस एफ आर हमारा समय के अकॉर्डिंग आएगा, तो हमारा मॉर्निंग समय है, तो क्या हो जाएगा, सिंस का यूज़ हो जाएगा, समय निश्चित है हमारा कि मॉर्निंग से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, यू हैड बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ फ्रेंड्स, मैं सुबह से पार्क में टहल रहा था। रूल कहता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं रूल, कि हैड बीन का यूज़ करेंगे, तो हमने हैड बीन का यूज़ किया। फिर रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो हमने यहाँ पे वॉकिंग कर दिया, टहलना का वॉकिंग कर दिया। फिर ऑब्जेक्ट लाइए, तो रूल यही कहता है, तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं इस वाक्य में, तो हम अदर्स का यूज़ कर देंगे, इन द पार्क। फिर रूल कहता है कि सिंस या फॉर लाएंगे, और किसके अकॉर्डिंग आएगा, समय के, तो समय यहाँ पे मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग साथ सिंस का यूज़ करेंगे। अपने आपने तीसरे एग्जांपल में भी देखा कि मॉर्निंग साथ सिंस का यूज़ करते हैं, तो इस वाले एग्जांपल में भी हम सिंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, आई हैड बीन वॉकिंग इन द पार्क सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये तो हो गया हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेज। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हम निगेटिव सेंटेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका रूल भी फ्रेंड जैसे अफर्मेटिव का रूल था सिमिलर है, बस क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस देख लीजिए फ्रेंड्स, कि हैड और बीन के बीच में हम नॉट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। बाकी सारा रूल वही है अफर्मेटिव वाला, क्या करना है हमें, सब्जेक्ट हैड, नॉट उसके बाद बीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हैड और बीन के बीच में नॉट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंसेज में, ठीक है। चलते हैं एग्जांपल की ओर फ्रेंड्स, हम दूसरे दिन से घर नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर समय यहाँ पे निश्चित कर दिया है कि दूसरे दिन से नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो हमने वी कर दिया। उसके बाद रूल कहता है कि हैड नॉट बीन लाइए, तो हमने हैड नॉट बीन लाया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो हमने गोइंग कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट या अदर्स लाते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर्स, तो यहाँ पर हमारा होम हो गया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो अदर्स में हमारा होम हो गया। फिर उसके बाद सिंस या फॉर,
वो भी किसके अकॉर्डिंग आता है, टाइम के। तो टाइम हमारा निश्चित है तो इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, वी हैड नॉट बीन गोइंग होम सिंस द सेकेंड डे। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। शनिवार से मैं खाना नहीं बना रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो हमने कर दिया आई हैड नॉट बीन। उसके बाद खाना बनाना का कुकिंग होता है फ्रेंड्स, तो कुकिंग हो गया, कुक होता है, और वर्क की फर्स्ट फॉर्म में हमें आई एन जी ऐड करनी है, तो कुकिंग हो गया। उसके बाद क्या, तो खाना, तो फूड हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और चूँकि अदर्स नहीं है तो हम सिंस या फॉर की ओर चलेंगे। तो सिंस या फॉर किसके अकॉर्डिंग आता है, समय के। तो शनिवार यहाँ पे फिक्स है फ्रेंड, तो इसलिए हमने यूज़ क्या किया, सिंस सैटरडे। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, आई हैड नॉट बीन कुकिंग द फूड सिंस सैटरडे। ठीक है, चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की ओर फ्रेंड्स। अमन कुछ समय से नहीं भाग रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, रूल कहता है, तो हमने अमन लाया। उसके बाद रूल कहता है कि हैड नॉट बीन लाइए, क्योंकि निगेटिव सेंटेंसेज हैं तो हैड और बीन के बीच में हम नॉट का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हो गया अमन हैड नॉट बीन। उसके बाद रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ऐड कर दीजिए, तो रन में हमने आई एन जी ऐड करके रनिंग कर दिया। उसके बाद सिंस या ऑब्जेक्ट या अदर्स लाते हैं, तो चूंकि ऑब्जेक्ट अदर्स नहीं है तो हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, और वो समय के अकॉर्डिंग। तो कुछ समय दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो जो कि अनिश्चित है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, अमन हैड नॉट बीन रनिंग फॉर सम टाइम। चलते हैं लास्ट एग्जांपल की ओर फ्रेंड्स। महेश 6 महीने से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, महेश 6 महीने से काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर भी क्या है फ्रेंड्स, आपका समय अनिश्चित है। 6 महीने कौन से 6 महीने हैं, जनवरी से लेके जून का है या फिर जुलाई से लेके दिसंबर का है, ये तो कंफर्म है नहीं हमें। तो केवल क्या बोला है, 6 महीने से। तो इसलिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा महेश हो गया। उसके बाद रूल कहता है कि हैड नॉट बीन का यूज़ करिए, तो हमने हैड नॉट बीन कर दिया। उसके बाद रूल कहता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, तो हमने वर्किंग कर दिया। और चूंकि समय यहाँ पे अनिश्चित है, तो हमने फॉर का यूज़ किया, तो फॉर 6 मंथ हो गया। तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया फ्रेंड्स, महेश हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 6 मंथ्स। तो ये था हमारा अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेज। अब कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट टेंस ख़त्म हो गया, पास्ट टेंस भी ख़त्म हो जाएगा कल, और उसके बाद हम फ्यूचर टेंस स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसे करके हमारे सारे सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएंगे, सारे टेंस ख़त्म हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर इसके भी पहले हमने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं, जैसे बेसिक इंग्लिश ग्रामर हो गया, जिसमें हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, वर्ब कैसे पता करते हैं, और कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ हमने डिस्कस किया। तो वो सारे भी लेक्चर हमारे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स। और उसके बाद हमने एक लेक्चर एक और बनाया होगा, जिसमें बताया होगा प्लेलिस्ट में कि यूज ऑफ एस ई एस या फिर आई ई एस इन वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट में, कि हमने बताया था फ्रेंड्स कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस ऐड करते हैं, क्योंकि वर्ब को हमको सिंगुलर बनाना रहता है। तो अगर वो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई हो, तो जाकर उस वीडियो को देख लेंगे, तो वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी फ्रेंड्स। जो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।